खुद के कंट्री के लिए खुश होना भी गलत बात है क्या? हमने बताया था त्रिपाठी जी, हमने उनको अभी बताया था कि ये इंडिया जीत गया, तो उन्होंने हमसे दोस्ती तोड़ ली। ये भी कोई बात है क्या? मैं अपने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए खुश नहीं हो सकती क्या? मैं चिल्ला के बोल नहीं सकती कि ये इंडिया जीत गया, हम जीत गए? फोन करके कहा कि दोबारा यहां मत आना, दोबारा हमको फोन मत करना, हम आपसे नहीं बात करेंगे। क्या मतलब इजी है यार, दोस्तियां तोड़ गई लोगों ने? क्या हम खुश भी नहीं हो सकते? हम खुशी जाहिर कर रहे थे भाई, खुशी जाहिर कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारा मुल्क जीत गया है। अब जो है हमारे घर आइए, हम दावत देना चाहते, तो हमारी दावत को ठुकरा दिया भाई उन्होंने। शर्मा जी आप बताइए क्या हो सकता है हमारा, अब क्या हो सकता है भाई? अरे हमारा कंट्री जीत गया है इतने सालों के बाद, पिछली बार 2007 में जीते थे, अब जाकर के जीते हैं, तो क्या हम उसकी मुबारकबाद देना दे किसी को? बता रहे हैं हाँ हम जीत गए तो क्या? हाँ मैंने बोला हम जीत गए तो क्या? तो क्या आप मेरे लिए खुश नहीं हो सकते? मतलब मेरे मुल्क ने, माय कंट्री वन द चैंपियनशिप्स, आई मीन मतलब मेरी खुशी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है भैया। बता रहे रऊफ लाला आप बताइए, हाँ त्रिपाठी जी बताइए आप भी। इस सूरत हाल पर तो है यहाँ के लोगों के एटीट्यूड, यहाँ पर इमोशंस काफी, ओ माई गॉड, दे लाइक आई जस्ट टोल्ड देम दैट माय कंट्री वन द चैंपियनशिप्स एंड देन दे ब्रोक माय फ्रेंडशिप, दे ब्रोक द फ्रेंडशिप, दे वर लाइक यू वर बीइंग क्वाइट हॉकिश अबाउट इट, यू वर बीइंग टू लाउड अबाउट इट, आई मीन वी वन द ब्लडी चैंपियनशिप। इट्स ओके, डोंट टॉक टू मी ever, that's fine, but the reality is India won the T20 championships and alhamdulillah we're very proud about it. I am actually going to town for this.